हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु, और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस का, KTG का, जिसके अंदर बात करने वाले हैं एजम्पशंस के बारे में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। ऐसे हर एक पॉइंट समझाऊंगा कि पूरे टाइम याद रहेगा, पूरी जिंदगी याद रखोगे हर एक चीज़ के बारे में। देखो, इस वीडियो के अंदर ऑब्वियस सारा सारा थ्योरी है, सारे पॉइंट्स हैं, तो वही समझाने वाला हूँ मैं। एक एक पॉइंट को इलेबोरेट करूंगा और आई गारंटीड कि वो याद रहेगा तुम्हें वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को एंड मत मिस करना, 7 से 8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और मजा आने वाला है। देखो, सबसे पहला अगर हम बात करें कोई भी मैटर बेसिकली पार्टिकल से बनता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक मैटर है भाई, ये मैटर है, तो इस मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। अब वो मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना। जो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गैस के, और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो मैं इस गैस में से कुछ पार्टिकल्स को गायब करता हूँ ताकि मुझे दूर दूर पार्टिकल्स मिल जाए। तो अब क्या हुआ, अब बेसिकली पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, और ये पार्टिकल जो दूर दूर है ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? अगर इसको भी हटा के काम करते इधर एक इधर इधर, ये चल दूर दूर है थोड़े थोड़े, तो ये क्या है, बेसिकली गैस के पार्टिकल्स है। और ये गैस के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं। कैसे? यहाँ से घूमते हैं, यहाँ टकराते हैं, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे ऐसे ये सारे के सारे एक दूसरे से टकराते हैं। अगर बोलूँगी यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ में वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। यहाँ से गया टकरा, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे टकराते रहेंगे, टकराते रहेंगे, टकराते रहेंगे पार्टिकल। और यही रीज़न है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल होता है वो वेसल पे, मतलब ये जो बाहर वेसल है इसकी बाउंड्री पे भी एक प्रेशर हिट करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको हिट करते रहते करते रहते, जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस प्रेशर मिलता है। मान लेते हैं एक बैलून है, बैलून को अगर तुम फुलाओगे तो फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें फूंक मारेंगे तो पार्टिकल्स उसके अंदर जाएंगे, और पार्टिकल उसके अंदर जाएंगे तो एक पार्टिकल दूसरे को हिट करेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे को हिट करेगा, और ऐसे सारे सारे पार्टिकल हिट करेंगे तो वो सारे के सारे पार्टिकल इस वॉल्स पे लगेंगे, इस वॉल पे लगेंगे तो इस वॉल को फुला देंगे, और इसीलिए अंदर बैलून के बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इसके वजह से बैलून फूल जाएगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, आई होप वीडियो समझ आए। तो पहला पॉइंट है, ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट टू द गिवन गैसेस एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर एक गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स होती है, मतलब कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो मॉलिक्यूल से नहीं बनी होती। तो गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑब्वियस है। मैंने जो पार्टिकल वर्ड यूज किया वो यहाँ मॉलिक्यूल क्यों कर लो, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, मतलब फोर्स एग्जर्ट करता है। तो वो फोर्स एग्जर्ट करता है तो वही प्रेशर होता है बेसिकली। दूसरे पॉइंट में ये बताता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग गैसेस के, सिंपल सी बात है, इसके पार्टिकल्स बड़े, इसके पार्टिकल्स छोटे हैं। अगर मैं दो गैसेस की बात करूं, H2 और Cl2, चलो तीसरी गैस भी O2 लेते हैं, इनके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, अगर बात करें हाइड्रोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे सेम साइज के होंगे। जो क्लोरीन के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर ऑफ सेम साइज। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन के अंदर ही मॉलिक्यूल्स सेम साइज के होंगे। मतलब ये है कि सेम एलिमेंट के, मतलब सेम गैसेस के मॉलिक्यूल सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट गैसेस, सो देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी डिफरेंट। तो यही बताया हुआ है, हाँ, कि ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन गैस, गिवन गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे, बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के लिए रहेगा। साथ में एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने, रिजिड और इलास्टिक। रिजिड बेसिकली बताता है कि वो मॉलिक्यूल्स अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। इलास्टिक मतलब अगर इनके ऊपर कोई फोर्स लगती है तो ये किसी तरह शेप चेंज करते हैं तो वापस सेम शेप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर कंजर्वेशन, मतलब बेसिकली जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। एनीवेज, वो सब हम प्रेशर में बात करने वाले हैं, इतनी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये बात बहुत अच्छी है। जैसे दो तीन मॉलिक्यूल्स हैं,
अब मैंने ये मॉलिक्यूल्स बनाए, अब मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा होएगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस ज़्यादा होगा। कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन मतलब ये हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है जिनका इनका साइज भी नहीं होता है। तो वही बता रखा था, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट दिखाता है। तीसरा पॉइंट में ये बोलता है वो कि द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहेंगे, रैंडम डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब वो मोशन में रहते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, पागलों की तरह कहीं भी घूम रहे हैं जाके, कहीं भी घूमते जा रहे हैं पागलों की तरह, किसी भी डायरेक्शन में घूमते जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रैंडम। रैंडम मतलब कोई भी, तो किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल उधर गया, उधर गया, उधर गया, फिर इधर टकरा गया, फिर उधर टकरा गया, उधर टकराया, उधर चला गया, तो ये जो रैंडम मोशन जो रैंडम मोशन होता है बेसिकली, ये रैंडम मोशन की वजह से ही हर एक मॉलिक्यूल सारी सारी डायरेक्शन में जाता है और प्रेशर एग्जर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन, बिकॉज जो गैस होती है बेसिकली वो चारों तरफ प्रेशर एग्जर्ट करती है, सॉलिड होता है वो सिर्फ नीचे की तरफ करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अदर एंड विद वॉल्स ऑफ द वेसल, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये पार्टिकल, मान लेते हैं जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इससे टकराया जाके, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इससे इस टकरा रहा है, टकराने के साथ में यहाँ पे वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये वॉल्स है बेटा कंटेनर की, इस कंटेनर की वॉल्स को भी हिट कर रहा है। सो सेम वो ये बता रहा है कि द मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और सेम फोर्स वो इस वेसल कंटेनर पे भी एग्जर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, कहीं भी मॉलिक्यूल अगर टकराएगा जाके, ऐसे टक्कर मारेगा, तो वहां पे फोर्स लगेगी, और वो जितने एरिया पे लगेगी वो फोर्स अपॉन एरिया क्या बना देगा, प्रेशर बना देगा। तो बस यही होता है, वो गया यहाँ, गया यहाँ, टक्कर मारी उसने, यहाँ टक्कर मारी, जहां जहां टक्कर मार रहा है एक फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने की वजह से जितने एरिया पे लगा रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर बन जाता है, तो हर एक डायरेक्शन में वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट बताता है हमें कि इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो इलास्टिक इन इलास्टिक दो तरह के कोलिजन होते हैं, जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब जो अंदर की काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी इनिशियल और फाइनल। मान लेते हैं यहाँ से ये रहा ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल यहाँ से जो चलता है ये चलता है v की स्पीड से, और जो जाता है वो u की, ये v1 से जाता है, v2 से जाता है। नाउ इनके बीच में अगर जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, मतलब टकराने के बाद और टकराने से पहले, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डिफरेंस आता है, सो देयर इज अ लॉस एंड व्हिच वी कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, मतलब इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, जिसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस नहीं होती है। जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बात बता दूं कि कभी भी जो एनर्जी होती है इसमें वो कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी तो बाहर निकलती ही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे पॉइंट नहीं लिखे मैंने, ओके पांच पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, दो तीन पॉइंट है दोबारा लिख लेते हैं और इसके बाद फिर वो समझाता हूँ। सो सिक्स पॉइंट हमारे पास, पांच पॉइंट हम कर चुके हैं, छठा पॉइंट देख लेते हैं। बिटवीन टू कोलिजन द मॉलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिटवीन टू कोलिजन बेसिकली ये बता रहा है कि मान लेते हैं कि दो, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल आया उसने यहाँ टकराया और टकराने के बाद वो, वैसे तो गलत टकराया, ये मॉलिक्यूल है वो यहाँ टकराया और यहाँ टकराने के बाद सीधा यहाँ चला गया। अब जब वो यहाँ टकराया तो यहाँ चला गया। अब देखो अगर इसकी बात करें तो इसके बीच में जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट एंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव करने वाला है टकराने के बाद। मतलब ये है कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन्स, जो इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं बेटा मीन फ्री पाथ, जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, मतलब दो कोलिजन के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे बोलेंगे मीन फ्री पाथ। यस, अलग अलग रहेगा ऑब्वियस है, तो हम क्या करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मीन निकालते हैं, मीन, ठीक है, और जब
मेन फ्री पाथ निकालेंगे, अभी आगे निकालेंगे काफी ज्यादा, ठीक है, मतलब कुछ लेक्चर नंबर 7-8 बनेगा उसमें निकालेंगे, तो वहां जरूर बात करेंगे इस बारे में और ज्यादा इलेबोरेट करूंगा उसके बाद। द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, मतलब ये है कि यह टकराया के और वहां आगे चला गया, टकराने के बाद तुरंत ये गया टकराया आगे चला गया, और मतलब एक और बात देखो, यहां पर ये टकराया और यहां से लेके यहां तक गया, सो दैट थिंग मतलब T2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T1, ये बताया गया है द टाइम ऑफ कोलिजन। तो यहां पे बेसिकली ये बताया गया है कि टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी लेस देन और नेग्लिजिबल टाइम बिटवीन टू कोलिजन, तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन ऑब्वियस है, कोलिजन का टकराया तक चला गया, वहां तक जाने में समय लगेगा, सो T2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T1। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पाइट मॉलिकुलर कोलिजन, देखो इसके अंदर कोलिजन बहुत सारे हो रहे हैं, नो डाउट ऑब्वियस है, कोलिजन हो रहे हैं, पार्टिकल यहां से वहां जा रहे हैं, फिर टकरा के आगे जा रहे हैं, फिर टकरा के पीछे, तो इधर उधर टकराए जा रहे हैं, तो जो टकरा रहे इसके बावजूद भी जो डेंसिटी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है गैस की, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। रीजन ये है द मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो गैस का प्रॉपर मास है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, इसीलिए उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है। देखो अब जो कंसेप्ट है ये तो अजम्पशन हमने कर ली, देखो अजम्पशन ऑब्वियसली लिखने के लिए आएंगी तो तुम्हें सारी सारी लिखनी पड़ेगी, 4-5 अजम्पशन पूछी जाएंगी। अब यहाँ क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को हीट करते हैं, मान लें तो पार्टिकल ये गया, ये इधर टकराया, अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये टकराने के बाद इधर टकराया, फिर सीधा इधर जाएगा, फिर इधर गया, ये पार्टिकल है, इसके टकराने के बाद इधर गया, फिर यहाँ वॉल पे टकराया और वॉल से सीधा टकरा के इधर आया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराएगा, मतलब किसी तरह भी वो कहीं पे भी जाके टकरा सकता है। अब जहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हिट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस एरिया के ऊपर एक फोर्स लग रही है, एंड दिस फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे छोड़ने वाले हैं, इस प्रेशर के बारे में हम पार्ट 4 के अंदर बात करेंगे, पार्ट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं फिर लेके आ रहा हूँ एक नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन बेसिकली, फिर इसके बाद वीडियो बनती जाएंगी और आपका प्यार मिलता रहा तो हम 12th को भी कवर करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को एंड यहीं पे करने वाले हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।